माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम रुची। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज का जो नुस्खा है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज्यादा हाई करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रीक योगर्ट लेना है, यानी कि बिल्कुल थिक दही, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 2 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे दही ले लेनी है। इसके बाद आपको 1 से 2 ड्रॉप्स लेमन जूस के लेने हैं। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन जूस को, लेकिन अगर आपकी स्किन में नींबू बिल्कुल भी सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप कर दीजिए। तो 2 से 3 लेमन ड्रॉप्स आपको यहाँ पे लेने हैं। एंड इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है चावल का आटा। चावल का आटा हमारी स्किन को यूथफुल बनाता है, रेडिएंट करता है, वाइटन एंड ब्राइटन करता है। इसके अलावा ये आपके क्लॉक्ड पोर्स को, टीनी बम्स को या फिर व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है। छोटा चम्मच, 1 चम्मच आपको लेना है यहाँ पे, बड़ा से आपको 1/2 स्पून लेना है। ये आपको लेना है, ऐड कर देना है। इसको अच्छे से हम यहाँ पे पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 स्पून के करीब रॉ मिल्क, एंड इसे भी आपस में अच्छे से यहाँ पे आपको मिक्स कर लेना है। तो आपका बढ़िया सा पैक रेडी हो गया है। आपको उसे छोड़ देना है 2 मिनट के लिए, ताकि जो चावल का आटा इसमें मिक्स किया गया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देन इसके बाद आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले आपको अपने फेस की क्लींसिंग करनी है। उसके लिए आपको रोज वाटर ले लेना है, कॉटन बॉल्स ले लेने हैं। रोज वाटर को कॉटन बॉल्स पे डिप करना है इस तरीके से, और अपने पूरे फेस की और नेक एरिया की अच्छे से आपको क्लींसिंग कर लेनी है यहाँ पे, ताकि जो एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह है वो आपकी स्किन से रिमूव हो जाए। सो मैंने यहाँ पे अपने फेस की अच्छे से क्लींसिंग कर ली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पैक की तरफ। इस पैक को आपको लगाना है अपने ऑल ओवर फेस में, अंडर आईज आपको छोड़ना है, एंड ऑल जगह, मतलब जितना फेस एरिया है आपका पूरा इसे लगा लेना है। क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया है चावल का आटा, जो कि आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब आप इसको रब करेंगे तो इजिली ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। सो पूरे फेस में अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे रब करना है, क्योंकि चावल का आटा इसमें मिक्स किया है। सो इसे रब करना बहुत ही जरूरी है, ताकि आपकी स्किन में जितने भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाए। सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हमारे नोज अराउंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपका ऑयल जो होता है वो इंक्रीज होता है, जिस वजह से ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। अगर आपके एक्ने पिंपल के स्पॉट्स हैं वो भी इससे रिड्यूस होंगे, अगर आपकी झाइयां हैं, फ्रेकल्स हैं वो भी इससे रिड्यूस होंगी। इसके बाद आपको 10 मिनट तक इसे छोड़ना है, देन ठंडे पानी से आपको वॉश कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं वॉश करने के बाद। सो फेस को वॉश कर लिया है और इसे अच्छे से आपको पैड ड्राई कर लेना है। अच्छे से इसे पैड ड्राई करने के बाद आपको कोई भी नरिशिंग क्रीम या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे, क्योंकि आपने पैक अभी लगाया है, और पैक लगाने के जस्ट बाद आपको अपने फेस को ड्राई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, भले ही आपने लैक्टिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल किया हो। सो हम बस थोड़ा सा करके इस तरीके से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारा फेस यहाँ पे बिल्कुल भी ड्राई ना लगे। सो बस मेरा पैक हो गया यहाँ पे डन, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसके विजिबल रिजल्ट्स, यानी कि आप
पास से मेरी स्किन देख सकते हैं, मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है और रेडिएंट भी हो गई है बहुत ज्यादा एकदम। आपको इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, नहाने जाने के पहले यानी कि शावर लेने के पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है अपने फेस पे। करती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू एंड हेल्दी ब्यूटी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय।